गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने बीटीआर के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सेमेस्टर वन के अप्लाइड फिज़िक्स वन के ट्यूटोरियल डिस्कस करने जा रही हूँ। आज हम यूनिट वन का ट्यूटोरियल डिस्कस करने जा रहे हैं। एक ही दिन में पूरी यूनिट को कवर नहीं किया जा सकता, तो हम यूनिट वन के ट्यूटोरियल का सीक्वेंस चलाएंगे। तो आज इस सीक्वेंस का पहला लेक्चर है जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इस यूनिट वन में फिजिकल वर्ल्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा है, तो आज हम कुछ प्रॉब्लम्स डायमेंशंस को लेकर डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे निकाला जा सकता है। सबसे पहली प्रॉब्लम जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज़। ये सब एक भौतिक राशियाँ हैं, जैसे आयतन, त्वरण, घनत्व, बल और आवेश। इन सभी का हमें क्या निकालना है? MLT डायमेंशन निकालना है, या यूँ कह सकें डायमेंशनल फार्मूला डिराइव करना है इन सब के लिए। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने के दो तरीके होते हैं। तो हम कौन सा तरीका यूज़ करें, कौन सा हमें कन्वीनियंट रहेगा, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ आपको दोनों ही तरीके डिस्कस कर देती हूँ। जैसे सबसे पहले वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स आयतन। तो आयतन का अगर हम फॉर्मूला देखें तो आयतन का फॉर्मूला होता है, आयतन का फॉर्मूला आप देखेंगे तो आयतन का फॉर्मूला होता है आपका वी इज इक्वल्स टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ओके, तो फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो लेंथ को हम किस में मेज़र करते हैं? मीटर में, यानी उसके लिए MLT डायमेंशन में क्या आएगा? L की घात 1। और ब्रेथ जिसे हम किस में मेज़र करते हैं? चौड़ाई को भी मीटर में, तो जिसकी पावर भी क्या हो गई? L। और हाइट को भी हम किस में मेज़र करते हैं? मीटर में, यानी इसकी भी हो गई L। तो अगर हम इन तीनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आता है अपने पास? L की पावर 3। यानी वॉल्यूम का अगर हम डायमेंशन निकालें तो क्या आएगा? m की पावर 0, l की पावर 3 और t की पावर 0। क्योंकि ना तो यहाँ कोई द्रव्यमान का मात्रक है, ना यहाँ कोई समय का मात्रक है, इसलिए केवल किसका है? डिस्टेंस, दूरी का मात्रक है यहाँ पर, इसलिए यहाँ केवल l की घात 3 आएगी। तो इस तरह से आपने जाना कि हम वॉल्यूम का MLT डायमेंशन थ्रू फॉर्मूला किस तरह से निकाल सकते हैं। अब हम अगर हम ये डिस्कस करें कि आयतन का MLT डायमेंशन थ्रू देयर यूनिट, यानी उसका जो मात्रक है उससे कैसे निकाल सकते हैं, तो आप देखते हैं वॉल्यूम को हम किस में मेज़र करते हैं? मीटर क्यूब में। तो मीटर क्यूब में जब हम मेज़र करते हैं तो आप सीधे ही यहाँ से देख सकते हैं, चूँकि इस मीटर क्यूब के अंदर आप देख रहे हैं ना तो यहाँ द्रव्यमान का कोई मात्रक है, इसलिए m की घात 0 ले रखा है, और ना ही यहाँ कोई समय का मात्रक है, इसलिए t की घात भी हमने क्या ले रखी है? 0। केवल मीटर की घात 3 है, यानी दूरी का मात्रक दे रखा है, इसलिए l की पावर क्या ले रखी है? 3। तो हम उसकी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट से सीधे ही MLT डायमेंशन जनरेट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा दोनों ही तरीके कि हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और उसकी यूनिट से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट और फास्टेस्ट वे कौन सा है? उसकी यूनिट से MLT डायमेंशन निकालना। अगर हमें फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट पता है तो हम सीधे ही उससे MLT डायमेंशन आसानी से निकाल पाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सेलरेशन, यानी त्वरण। त्वरण का अगर फॉर्मूले से निकालें तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी पर टाइम, यानी हमें वेलोसिटी की डायमेंशन डालनी होगी और फिर हमें समय की डायमेंशन। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है?
एल टी की पावर माइनस वन, एल टी माइनस वन, और बटे में हम टाइम डालेंगे टी की पावर वन, तो फाइनली हमारे पास क्या मिलेगा, एल टी माइनस टू। जबकि आप इधर देखिए, यहाँ हमने आपको दिखा रखा है एक्सेलरेशन की अगर यूनिट मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, या मीटर सेकंड इनवर्स बोलते हैं इसो, तो हम क्या देखेंगे कि m की घात 0 क्योंकि द्रव्यमान का कोई मात्रक नहीं है, l की घात 1 क्योंकि दूरी का एक मात्रक देख रखा है मीटर और जिसकी घात है 1, इसलिए l की पावर 1, समय का मात्रक दे रखा है सेकंड जिसकी घात है माइनस टू, इसलिए t की पावर क्या आ गई, माइनस टू। तो हम सीधे ही इससे MLT डायमेंशन हम निकाल सकते हैं, और वो क्या आ गई है, m 0 l 1 t की पावर माइनस टू। सिमिलरली डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला आपने देखा मास अपॉन वॉल्यूम, तो हम यहां से भी निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, मास के लिए m की पावर 1 और वॉल्यूम के लिए अपन ने पढ़ा था l की घात 3, तो इससे अपने पास क्या फॉर्मूला निकल के आया, m की घात 1 और l की घात माइनस 3। ठीक है प्यारे बच्चों, और यदि हम डेंसिटी को यूनिट से निकालते हैं तो यूनिट क्या होती है डेंसिटी की, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो इधर देखिए, किलोग्राम के लिए m की घात 1 क्योंकि किलोग्राम की घात 1 है, और लंबाई की घात l की पावर 3, और यह अगर बटे के ऊपर जाएगी तो l की घात माइनस 3 हो जाएगा। तो आप यहां से भी देख सकते हैं, दोनों ही तरीकों से हम निकाल सकते हैं, और चूंकि समय का कोई मात्रक नहीं है इसलिए t की पावर 0। सिमिलरली फोर्स, जिसे हम न्यूटन में पढ़ते हैं, ये एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए इसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में अगर कन्वर्ट करें तो न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम अगर इसका मान रखते हैं, फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन, मास m की घात 1 और एक्सेलरेशन त्वरण का हम पहले निकाल चुके हैं lt माइनस 2, तो पावर अपने पास क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट जो MLT डायमेंशन आएगी, m की घात 1, l की पावर 1, t की पावर माइनस 2। आप सीधे भी यूनिट से भी देख सकते हैं, किलोग्राम की घात 1 है तो m की घात 1, मीटर की घात 1 है तो l की पावर भी 1 है, और सेकंड की घात माइनस 2 है तो t की पावर माइनस 2 है। तो आप सीधे ही यूनिट से निकाल सकते हैं उसका MLT डायमेंशन आसानी से। सिमिलरली चार्ज के बारे में अगर हम बात करें, चार्ज को हम कूलाम में पढ़ते हैं, और कूलाम क्या होता है, धारा गुणा समय। धारा हम किस में पढ़ते हैं, एम्पियर में, और समय सेकंड में, तो एम्पियर इंटू सेकेंड। तो एम्पियर के लिए हम ऐसा यूनिट कैपिटल ए को यूज़ करते हैं, और समय के लिए आप सभी जानते हैं टी के द्वारा उसे दर्शाया जाता है, टाइम की यूनिट को कैपिटल टी। तो अपने पास क्या रह गया MLT डायमेंशन, चूंकि इस सूत्र के अंदर द्रव्यमान का कोई मात्रक नहीं है m की घात 0, लंबाई का कोई मात्रक नहीं है l की घात 0, समय का यानी सेकंड का मात्रक है इसलिए t की घात 1, और एम्पियर ले रखा है इसलिए a की घात 1। तो अपने पास चार्ज के लिए क्या आ गया है MLT डायमेंशन, m 0 l 0 t 1 और a टू द पावर 1। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम ऐसे ही कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज डिस्कस करते हैं, जैसे प्रेशर। प्रेशर को अपन, प्रेशर या दाब जिसे बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया से डिफाइन किया जाता है। अगर हम सूत्र देखें तो इसका क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो प्रेशर की अगर हमें यूनिट काम में लेनी हो तो हम कौन सी यूनिट काम में लेंगे, प्रेशर के लिए, प्रेशर के लिए हम काम में लेंगे फोर्स। सबसे पहले फोर्स का क्या है, हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, बल के लिए डायमेंशन एम एल टी टू द पावर माइनस टू, एम एल टी माइनस टू बटे एरिया के लिए एल टू द पावर टू। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं प्रेशर में तो हमें क्या मिलेगा,
देखिए मैंने यहाँ सॉल्व करके आपको दिखा रखा है, एम वन एल वन टी टू द पावर माइनस टू बटा एल टू करते हैं तो एम वन एल माइनस वन टी टू द पावर माइनस टू, तो ये हमें सूत्र से भी प्राप्त हो जाएगा। और अगर हम सीधे ही निकालना चाहें इसकी यूनिट से, तो यूनिट इसकी पास्कल है जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वलेंट होती है, तो वहाँ से अगर हम वैल्यू रखेंगे तब भी हमें क्या मिल रहा है, एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू। अब हम इसके आगे दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र डिस्कस करने जा रहे हैं। विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं, इसकी एमएलटी डायमेंशन, इसका फॉर्मूला होता है न्यूटन पर कूलाम। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम मेज़र करते हैं न्यूटन पर कूलाम में, तो न्यूटन हम किसकी यूनिट लेते हैं, फोर्स की, तो हम यहाँ फोर्स की डायमेंशन रख दी है एम एल टी माइनस टू पर कूलाम। कूलाम की हमने इसे पहले प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाया था, कूलाम की क्या है एम ज़ीरो एल ज़ीरो ए टी वन ए वन, तो उस वैल्यू को यूज़ करा हमने और दोनों का मान रखकर सरल करने पर अपने पास क्या रह गया इलेक्ट्रिक फील्ड की, एम वन एल वन टी माइनस थ्री ए माइनस वन। वर्क यानी कार्य, कार्य भी निकालें हम कार्य की भी एमएलटी डायमेंशन निकाल सकते हैं। कार्य को हम जूल में पढ़ते हैं जो कि क्या होता है न्यूटन इनटू मीटर, यानी बल गुणा विस्थापन। तो बल की जो एमएलटी डायमेंशन है एम वन एल वन टी माइनस टू और उसको मल्टीप्लाइड कर देंगे एल टू द पावर वन से, विस्थापन जो हम मीटर में पढ़ते हैं। तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा, एम वन एल टू टी टू द पावर माइनस टू। सिमिलरली हम अगर एनर्जी निकालें तो चूंकि एनर्जी और वर्क दोनों ही किसमें पढ़ी जाती है, जूल में, इसकी यूनिट भी जूल है और वर्क की भी यूनिट जूल है, इसलिए दोनों का आप देखेंगे एमएलटी डायमेंशन सेम आ रहा है। जो वर्क का एमएलटी डायमेंशन है वही एनर्जी का भी एमएलटी डायमेंशन है। हम इसे एक सूत्र से भी निकाल के आपको दिखा सकते हैं। एनर्जी में हम देखिए हम डिस्कस करने हैं, लेट्स वी हैव टेकन दी पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है एम जी एच, यहाँ एम क्या है मास, जी क्या है गुरुत्वीय त्वरण और एच क्या है हाइट। तो हम अगर इनकी यूनिट्स रखते हैं, एम की डायमेंशन एम टू द पावर वन, त्वरण की एल टी माइनस टू और हाइट के लिए एल, क्योंकि मीटर में नापते हैं इसे, और इन तीनों को सरल करते हमें क्या मिल जाएगा एम वन एल टू टी माइनस टू, और ये आप देखेंगे दोनों क्या है सेम है, दोनों सेम है, चाहे आप वर्क की एम एल टी डायमेंशन निकालें चाहे आप एनर्जी की निकालें, दोनों क्या आएंगी सेम आएंगी। अब हम डिस्कस करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। एरिया मतलब कोई क्षेत्रफल है जिसका मुझे क्या निकालना है स्क्वायर रूट। तो किसी भी क्षेत्रफल का स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले क्षेत्रफल की हमें यूनिट क्या चाहिए, क्षेत्रफल किसमें पढ़ते हैं मीटर स्क्वायर में, यानी एल टू द पावर टू, और इसके ऊपर पावर वन बाय टू कर देंगे स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, एम टू द पावर जीरो, एल टू द पावर वन और टी टू द पावर जीरो। तो इस तरह से हम आसानी से निकाल सकते हैं कि डायमेंशंस कैसे निकाल सकते हैं। हर एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन इस प्रकार ज्ञात की जा सकती है। आज के लिए बच्चों इतना ही लेंगे, अगली नेक्स्ट जो अपनी क्लास कंटिन्यूटी में रहेगी उसमें हम और नई फिजिकल क्वांटिटीज लेके आएंगे जिन्हें हम डिस्कस करेंगे, जिनके एमएलटी डायमेंशन निकालेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद प्यारे बच्चों।